बिहार राज्य का पूर्णिया जिला आज समाज के सामने एक मिसाल कायम कर रहा है। यह जिला आज एक अनूठे और दिलचस्प कारण से लोगों के लिए उत्सुकता का विषय बना हुआ है। यहाँ जो बच्चे भोजन में पोषण के अभाव की मार झेल रहे थे, वही बच्चे आज कुपोषण से डटकर मुकाबला करते नजर आ रहे हैं। आज यहाँ के स्कूलों में हरियाली है और बच्चों का मनोबल मानो आसमान छू रहा है। और यह सब संभव हुआ है मध्याह्न भोजन योजना बिहार सरकार और सामाजिक कार्यों की अग्रणी संस्था यूनिसेफ द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी परियोजना अंकुरण से। इस परियोजना के अंतर्गत विद्यालयों में छात्रों द्वारा पोषण वाटिका विकसित की जा रही है। बिहार में छोटे बच्चों के साथ साथ किशोर किशोरियों में एनीमिया एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है। इस समस्या को दूर करने के साथ साथ विकास बाधित बच्चों की संख्या में कमी लाने के उद्देश्य से पूर्णिया जिले के चुने हुए 100 विद्यालयों में जनवरी 2016 से प्रायोगिक तौर पर अंकुरण परियोजना का संचालन किया जा रहा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 3 और 4 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में बच्चों के पोषण स्तर में काफी सुधार दिखाई देता है। पिछले 10 वर्षों के दौरान जहां बच्चों में विकास अवरुद्धता का प्रतिशत 56 से घटकर 45 रह गया है, वहीं अपेक्षाकृत कम वजन वाले बच्चों का भी प्रतिशत 56 से घटकर 44 हो गया है। और इन सब का श्रेय सरकार एवं उसकी सहयोगी संस्थाओं के मिले जुले प्रयासों को जाता है। इस श्रृंखला में पोषण वाटिका एक बड़ा और प्रभावशाली कदम है, जो बच्चों के सूक्ष्म पोषण के लिए चलाई जा रही योजनाओं जैसे आयरन फोलिक के विकल्प के रूप में विकसित की जा रही है। बिहार सरकार के 2 प्रमुख विभाग कृषि एवं शिक्षा ने यूनिसेफ और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा के साथ मिलकर पोषण वाटिका के रूप में यह अनूठी पहल की है। इससे न सिर्फ बच्चों और किशोर किशोरियों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने में मदद मिल रही है, बल्कि उनको सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर स्थानीय सब्जियों एवं फलों के आदतन प्रयोग के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। इस उम्मीद के साथ कि ये अच्छी आदतें जीवन भर उनके साथ रहेंगी और उनके द्वारा अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी सिखाई जाएंगी। बिहार में पोषण वाटिका पूर्णिया जिला में पायलट योजना के तहत 100 विद्यालयों में शुरू किया गया, क्योंकि वहाँ बच्चों में ज़्यादा कुपोषण की रिपोर्ट थी। इस आधार पर हम लोग पोषण वाटिका को शुरुआत 100 विद्यालयों में किए और उसका अच्छा रिजल्ट भी रहा। पोषण वाटिका की सफलता को देखते हुए हम लोग पूरे बिहार के विद्यालयों में इस योजना को शुरू कर रहे हैं और इसका फायदा सभी विद्यालय के बच्चों तक पहुँचे, ये हम लोग की प्राथमिकता है। मध्याह्न भोजन में गुणवत्ता को और ज़्यादा हम लोग बढ़ाएं, जिससे बच्चों को स्वास्थ्य में ज़्यादा वृद्धि हो, इसका फायदा सभी बच्चों को मिले, तो हम लोग इस साल से पूरे बिहार में इस योजना को लागू कर रहे हैं। विद्यालयों में पोषण वाटिका लगाने का उद्देश्य मध्याह्न भोजन योजना के तहत स्कूल की जरूरतों के हिसाब से पर्याप्त मात्रा में सब्जियों एवं फलों का उत्पादन करने से अधिक एक मॉडल के रूप में इस्तेमाल कर बच्चों और उनके परिजनों को पोषण के बारे में जागरूक करते हुए इसे अपनाने के लिए प्रेरित करना है। साथ ही उन्हें यह भी दिखाना है कि पोषण कोई असाध्य और महंगी वस्तु नहीं है और इसे बड़ी आसानी से कम लागत पर अपने आसपास की प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल कर पाया जा सकता है। बिहार का कुपोषण का स्थिति देखेंगे और खासकर एडोलेसेंट ग्रुप्स में अगर कुपोषण का स्थिति देखेंगे तो लगभग 45% बालिकाओं में और 51% बालकों में कुपोषण का प्रतिशत पाया जाता है। उसके अलावा अगर एनीमिया का स्थिति देखेंगे, चाहे बच्चों का एनीमिया हो और एडोलेसेंट में एनीमिया हो किशोर और किशोरियों में, तो ये लगभग 60% से ऊपर है बिहार के स्थिति में। तो क्या है हम इन एडोलेसेंट ग्रुप के साथ कर सकते हैं, क्योंकि एडोलेसेंट न्यूट्रिशन पूरे लाइफ साइकिल में अगर आप देखेंगे कि एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो किशोर और किशोरावस्था, और इस समय में अगर आपको बेटर न्यूट्रिशन का नॉलेज हो, बेटर न्यूट्रिस्टिव आपको इनपुट मिले, तो इसका असर जो है ना कि सिर्फ एडोलेसेंस पीरियड में, जब आगे चल के आप एडल्टहुड में आते हैं और ज़्यादातर जब बालिकाएँ गर्भवती महिलाओं में तब्दील हो जाती हैं, तो उस समय इनके ऊपर जो एक तो नॉलेज का रिटेंशन और दूसरी बात है कि ये जो पोषण का इनमें जो इनपुट जा रहा है, उससे आपका भविष्य पीढ़ी जो है वो बहुत सुरक्षित रहता है। ग्रामवासियों ने भी पोषण वाटिका के महत्व को समझा और इसे अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान दिया। आज बड़ी संख्या में ऐसी पोषण वाटिकाएं पूर्णिया के लोगों के घरों में देखने को मिलती हैं
जो न सिर्फ स्वयं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि औरों को भी इसके इस्तेमाल के लिए प्रेरित कर रहे हैं। स्कूल में हमारे पोषण वाटिका लगे, उसमें हम देखे और घर में आकर बोले, सभी को जब मान गए तब घर यहाँ पर लगाया गया। कृषि विज्ञान केंद्र ग्रामीणों के इस प्रयास में पूरी शक्ति से उनकी मदद कर रही है। कृषि विज्ञान केंद्र पूर्णिया जलालगढ़ यूनिसेफ की अंकुरण परियोजना के साथ जुड़कर पूर्णिया जिले के 100 स्कूलों में किचन गार्डन में तकनीकी सहयोग दे रहा है। और इस तकनीकी सहयोग में जो किचन गार्डन में जो सब्जियां लगाई जाती हैं तो वो उनको कैसे लगाना है, कैसे ऑर्गेनिक खेती करनी है, इन सारी जानकारियों को जो वहाँ के नोडल ऑफिसर हैं जो किचन गार्डन के, उनको प्रशिक्षित किया जाता है। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक ग्रामीणों को जैविक खेती के लिए तकनीकी ज्ञान के साथ साथ बीज और पौधे भी मुहैया करा रहे हैं। परियोजना की सफलता के लिए मध्याह्न भोजन योजना, यूनिसेफ, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र की संयुक्त टीम पूरे जतन से जुटी है। मुख्य उद्देश्य था कि जो मध्याह्न भोजन योजना के द्वारा भोजन दिए जा रहे हैं उसमें कैसे सूक्ष्म पोषक तत्व को उपलब्ध कराया जाए। और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कि आयरन है, कैल्शियम है, विटामिन ए के लिए बीटा कैरोटीन है, किस में ज़्यादा है, किस में कम है, किस ढंग से खिलाया जाए, इन बातों पर हम लोगों ने उन लोगों को सारी इंफॉर्मेशन, उन लोगों को सूचना उपलब्ध करवा दिया गया। जहां मध्याह्न भोजन योजना समिति इस परियोजना को अन्य संसाधनों के साथ साथ मानव संसाधन मुहैया करा रही है, वहीं यूनिसेफ तकनीकी रूप से इन संसाधनों का इस्तेमाल कर योजना की सफलता सुनिश्चित कर रही है। इसी प्रकार राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र नोडल शिक्षकों और ग्रामीणों को वाटिका स्थल के चुनाव, उसकी तैयारी, रोपनी के तरीके, बीजों और पौधों का चुनाव, उनकी देखभाल इत्यादि का तकनीकी ज्ञान दे रहे हैं। इस परियोजना का सबसे रोचक पहलू है बच्चों की भागीदारी। जहां एक ओर बच्चे इससे उत्तरदायित्व लेने, उसका निर्वहन करने और टीम वर्क के साथ साथ स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने जैसी जीवनोपयोगी कलाएं सीख रहे हैं, वहीं अपने प्रयासों से एक स्वच्छ और सुंदर परिवेश का भी निर्माण कर रहे हैं। पोषण वाटिका के निर्माण और उसके संचालन में बच्चों द्वारा बनाए गए समूह जैसे बाल संसद और मीना मंच बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ये समूह छात्र सहभागिता का जबरदस्त उदाहरण देते हुए आपस में मिलजुल कर अनेक योजनाओं पर काम कर रहे हैं, जैसे पोषण के अनुसार कौन कौन सी सब्जियां लगाई जाएंगी, कौन सा समूह वाटिका की देखभाल करेगा, किस समूह का कार्य ग्रामीणों को वाटिका भ्रमण के लिए बुलाकर उन्हें इसे अपने घरों में लगाने के लिए प्रेरित करेगा। इसके अलावा इन समूहों द्वारा व्यक्तिगत साफ सफाई, शौचालय का प्रयोग, साबुन से हाथों की सफाई इत्यादि स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ी आदतों को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। अंकुरण परियोजना जो 100 विद्यालयों में चलाया जा रहा है, उसमें हमारा RBS के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है उसका बहुत ही अहम भूमिका है। इसको स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित करके जो 100 विद्यालय में किशोर किशोरियों के लिए जो कार्यक्रम चलाया जाता है, कैसे उसको बेहतर किया जा सके, इसके लिए उनका एक माइक्रो प्लान तैयार होता है कि ब्लॉक वाइज स्कूल में बच्चों का स्वास्थ्य जांच करने के लिए तिथि का निर्धारण किया जाता है और वो लोग जाकर के बच्चों की स्वास्थ्य जांच करते हैं, जिसमें नोडल शिक्षक का अहम भूमिका होता है कि अपने विद्यालय के बच्चे के पोषण स्तर का कैसे वो पहचान कर सके। इस परियोजना की सफलता में नोडल शिक्षकों की भूमिका अहम रही है, जो बच्चों को पोषण वाटिका से संबंधित तकनीकी सहयोग तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ हर कदम पर उनका उत्साहवर्धन भी कर रहे हैं। चाहे वो प्रभात सभा का आयोजन हो या अभिभावकों से संवाद, मॉर्निंग असेंबली में आपके बच्चों के साथ पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता, इसके ऊपर काफ़ी जो नोडल टीचर्स होते हैं उसमें डिस्कशंस होते हैं, उनको काफ़ी ज्ञान प्राप्त होता है उसके साथ साथ। ये बच्चों और अभिभावकों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए अनेक गतिविधियों और खेलों के माध्यम से पोषण एवं उससे जुड़ी आदतें जैसे शौचालय का प्रयोग, हाथ की सफाई, व्यक्तिगत साफ सफाई इत्यादि के बारे में न केवल उनको जागरूक कर रहे हैं बल्कि उन्हें इससे जोड़ भी रहे हैं। पोषण और स्वास्थ्य हमारा आज का विषय है। पोषण क्या है, किसी को पता है पोषण क्या है? हम लोग जो रोज खान पान के द्वारा अपने शरीर में ग्रहण करते हैं वो हमारा पोषण है। हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, समय पे खाना खाना चाहिए, संतुलित भोजन करना चाहिए, इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हमें रोज कैसा भोजन करना चाहिए?
संतुलित आहार में भी कैसा करना चाहिए? तिरंगा भोजन हमें करना चाहिए। सबसे पहले केसरिया रंग, उसके बाद सफेद, उसके बाद हरा, वैसे ही हमारा भोजन भी होना चाहिए। भोजन में सबसे पहले कौन सा लेना चाहिए हमें? उजला। जितने भी प्रकार के अनाज होते हैं उसे हम लोग सफेद मान सकते हैं। दूध हो गया, अंडा हो गया, ये सब क्या हुआ? सफेद हुआ। साफ सफाई हम लोग कैसे बरते, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, कोई बताएगा? खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, शौच जाने से बाद हाथ धोना चाहिए। एक मीटिंग रखी गई है पोषण वाटिका के संबंध में बीआरसी में, उस मीटिंग में गए तो वहाँ खुलकर बात सामने आई कि 20x20 या 20x30 एरिया में पोषण वाटिका लगाना है, तरह तरह की सब्जियाँ लगाना है। तो उसमें एक प्रश्न हम किए अपनी तरफ से कि इतनी छोटी सी जगह में कितनी सब्जियाँ होगी, और हमारे यहाँ बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, 500 से अभव है। तो वहाँ पर यह आया कि एक मॉडल है, एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना है, ये एक तरह का लेसन होगा, और उसमें जो सब्जियाँ लगेगी वो सब्जियों में क्या क्या पोषक तत्व पाए जाते हैं बच्चों को प्रैक्टिकली बताया जाएगा। 30x30 एरिया में एक पोषण वाटिका लगाया जिसमें तरह तरह की सब्जियाँ लगाए, बच्चों को दिखाया, बच्चे भी काफ़ी इंटरेस्टेड हुए और बच्चे पूरी रुचि लेने लगे इसमें, बढ़ चढ़ के और अपने अपने घर से बीज उज ला के लगाने लगे। एक ही तरह की सब्जी हम लोग बच्चों को खिलाते थे, लेकिन जब से पोषण वाटिका आया तो हर तरह की सब्जियाँ हम लोग बच्चों को देने लगे मध्याह्न भोजन के द्वारा, जिससे बच्चे भी बहुत खुश हुए। और हमने गांव में जाके देखा आस पास पड़ोस में, तो वहाँ भी लोग इस पोषण वाटिका का अनुसरण करने लगे। एक आदर्श पोषण वाटिका के निर्माण एवं संचालन में विद्यालय शिक्षा समिति के साथ साथ स्थानीय लोग भी पूरे उत्साह से हिस्सा ले रहे हैं। स्थानीय ग्रामीण बच्चों को वाटिका के लिए उचित स्थान चुनने, उसे खेती के लिए तैयार करने के साथ साथ उसकी सिंचाई और देखरेख करने से फसल की कटाई, उसकी गुणवत्ता की जांच, नाप तौल, भंडारण और उसको मध्याह्न भोजन रसोई तक पहुंचने में मदद भी कर रहे हैं। पोषण वाटिका पंजी भी तैयार किया गया है, जिसमें आपके जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल का वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, डेली बेसिस में कितना इसका आउटपुट हो रहा है, और कितना आपका जो मिड डे मील का जो प्रोग्राम है उसमें कितना इनपुट इसमें जा रहा है। पोषण वाटिका स्कूल परिसर के खाली पड़ी जगहों का इस्तेमाल कर बनाए जा रहे हैं। ऐसी जगहें जो किसी जल स्रोत के नजदीक हो, जहां सूर्य की रोशनी प्रचुरता में उपलब्ध हो, इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त होती है। इस वाटिका की सबसे बड़ी विशेषता है यहां पर पूरी तरह से जैविक खेती होती है, जिसमें जैविक खाद एवं उर्वरक जैसे फार्मयार्ड मैन्योर या नीम केक का इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि कीटनाशक भी जैविक होते हैं। यहाँ इस्तेमाल होने वाले जैविक खाद भी यहीं खेतों में खोदे गए कंपोस्ट पिट में जमा किए गए बेकार की चीजों जैसे मध्याह्न भोजन का बचा खुचा खाना, खरपतवार, गाय इत्यादि जानवरों के गोबर से तैयार होते हैं। वाटिका में लगाए जाने वाले फसल मौसम के अनुसार पाए जाने वाले और गुणवत्ता आधारित होते हैं। यहाँ लगाने के लिए विद्यार्थी ऐसी सब्जियों और फलों का चुनाव करते हैं जिनमें सूक्ष्म पोषक तत्व, खासकर आयन, विटामिन ए, विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। वाटिका के मेढ़ का इस्तेमाल मौसमी फलों जैसे पपीता, केला, अमरूद, नींबू आदि लगाने के लिए भी किया जाता है। दिस इनिशिएटिव द डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट गवर्नमेंट विल टेक अप फॉर वाइडर रेप्लिकेशन एंड यूनिसेफ फ्रॉम यूनिसेफ साइड आई कैन एश्योर दैट वी विल बी विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड मेक श्योर दैट द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट इन द पायलट डिस्ट्रिक्ट एज वेल एज ऑल ओवर द स्टेट एंड दैट विल डेफिनेटली एड्रेस द problem, nutritional problem of the state, I'm sure, a state like Bihar.